सुनो, इसकी हथेलियां तो बहुत अच्छी है महाराज, और इसका नाम क्या होगा सुनो, महाराज तुम्हारी पुत्री का नाम रुक्मिणी है और इसकी हस्तरेखा में लिखा है कि इसका विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ नहीं होगा। ये वचन दे दिया। एकदम से तुमने जब वचन सुने हैं महाराज भीष्म ने कि हमारी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हुआ, महाराज भीष्म ने एकदम से चिल्लाने लगे, गाने लगे और कहने लगे कि क्या हुआ मेरे भैया, राजा